पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो दिन की राहत के बाद फिर बुधवार को आग लग गई। तेल कंपनियों ने सीधे 35-35 पैसे प्रति लीटर दोनों में बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल महंगा होकर 106.19 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। डीजल भी 35 पैसे महंगा होकर 94.92 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचा है। हालांकि मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरी बार कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली थी, लेकिन बुधवार सुबह फिर कीमतें बदल गई। राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल की कीमत 105.84 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 111.77 रुपये प्रति लीटर रही थी। मुंबई में डीजल की दरें भी 102.52 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रही थी, जबकि दिल्ली में रविवार की तरह ही इसकी कीमत 94.57 रुपये थी। मंगलवार को कीमतों में ठहराव लगातार 4 दिनों के बाद बढ़ने के बाद आया था, जब पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 1.40 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई थी। 12 और 13 अक्टूबर को भी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। डीजल की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि के साथ देश के कई हिस्सों में ईंधन अब 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा पर मिल रहा है। यह अंतर पहले पेट्रोल के लिए था, जो कुछ महीने पहले देश भर में 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया। पेट्रोल की कीमतों में 5 सितंबर से स्थिरता बनी हुई थी, लेकिन तेल कंपनियों ने आखिरकार पिछले हफ्ते पंप की कीमतों में बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।